अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो यार आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। खुश रहें और दुआओं में याद रखिएगा। ईद है और ईद पे ट्रिप तो बनता है, इसलिए मैं आज जा रहा हूँ कश्मीर नीलम वैली के लिए। और अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया कि आगे मैंने कहाँ जाना है, ये मैं आगे जाके ही डिसाइड करूँगा। हमने जो अपना सफ़र है इस्लामाबाद से रात के वक्त शुरू किया था और अभी सुबह का टाइम है और हम लोग अभी मुजफ़्फ़राबाद के करीब ही हैं और बस अभी हम लोग जा रहे हैं आगे के लिए। तो फिर इंशाल्लाह गपशप होती है आगे जाके। अभी हमारे रास्ते में एक बहुत ही खूबसूरत अबशार है, ये देखें आप लोग, ये अबशार के नज़ारे हैं। अभी मैं किरण में मौजूद हूँ और प्लान हमारा ये है कि हम लोगों ने जाना है बबून वैली कवर करने के लिए। बबून वैली का जो ट्रैक है अभी मुकम्मल ओपन नहीं है, हैवी स्नो होने की वजह से आधे रास्ते तक हमें जीप ले जाएगी, लेकिन फिर आगे हमें हाइकिंग करके जाना होगा। और फिर हमने प्लान ये किया है कि आज रात हम लोग स्टे करेंगे किरण में और कल हम लोग जाएँगे बबून वैली के लिए। किरण जो है ये सारा बॉर्डर एरिया है, ये आप लोगों को घर नज़र आ रहे हैं दरिया की दूसरी साइड पर, ये सारा इंडिया का एरिया है और दरिया के इस साइड पे ये सारा पाकिस्तान का एरिया है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को और गाइड कर दूं कि जो नीलम वैली है मुजफ़्फ़राबाद से उसका एक ही रोड है, और जो आपकी बबून वैली है, रत्ती गली लेक है, पतलियां लेक है, इन सब का रास्ता किरण, लवात और दवारियाँ यहाँ से निकलता है। ये नीलम वैली रोड के ऊपर ही हैं इलाके तीनों, और ये तीनों बिल्कुल साथ साथ हैं इलाके। और हम लोगों ने जाना है बबून वैली, और जो बबून वैली का रास्ता है वो लवात और किरण इन दोनों के दरमियान से निकलेगा। आज हमारे पास टाइम ही टाइम था तो हमने सोचा कि अपर नीलम जाते हैं। अपर नीलम का जो ट्रैक है वो किरण बाज़ार से निकलता है, तकरीबन 2 किलोमीटर का ट्रैक है। आपकी गाड़ी हो या बाइक हो ईज़िली जाता है, लेकिन हमारा वॉक करने का मूड था। और अभी हम लोग जा रहे हैं टॉप की तरफ, टॉप से नज़ारे बड़े कमाल के हैं, तो इंशाल्लाह मैं फिर आप लोगों को टॉप से जाके जो नज़ारे हैं वो भी करवाता हूँ। अपर नीलम में आ चुका हूँ और ये टॉप से नज़ारे हैं नीचे के, और ये जो सामने आपको घर नज़र आ रहे हैं ये सारा इंडिया का एरिया है, और दरिया के इस साइड पे जो एरिया है ये पाकिस्तान के, और ये टॉप से सारे नज़ारे हैं। ये हमारी जीप आ गई है बबून वैली के लिए, इसमें हम लोगों ने जाना है बबून वैली। बबून वैली का जो ट्रैक है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, और हमें तकरीबन 1 घंटा हो गया चलते हुए। और आप लोगों के लिए मैंने जो रोड की यानी जो वीडियोस हैं वो भी ऐड की हैं, आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अभी हम टॉप पे पहुँचे नहीं हैं, अभी आधा रास्ता हो गया और हमें तकरीबन 1 घंटा और लगेगा अभी आगे जाने में। तो इंशाल्लाह फिर मैं आगे भी आपको अपडेट करूँगा, और उसके बाद फिर हमने आगे हाइकिंग भी करनी है, तो वो भी मैं इंशाल्लाह एडवेंचर आप लोगों को दिखाऊँगा। अभी यहाँ पे हमें रुकना पड़ गया, वो इसलिए कि आगे जो रोड है वो ख़राब है और जितनी भी गाड़ियाँ अभी सारी यहाँ पे खड़ी हुई हैं, रोड क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बस फिर रोड क्लियर होगा तो फिर हम लोग निकलेंगे आगे के लिए। बबून वैली के रास्ते में ही हमें ये एक बहुत अच्छा पॉइंट मिला है, अभी यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर बैठेंगे, आराम करेंगे, और उसके बाद अभी हम निकलेंगे आगे। जीप से हम लोग उतर गए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं टॉप की तरफ। वैसे देखा जाए तो बबून वैली यहाँ से शुरू हो जाती है, लेकिन हमने टॉप से व्यू देखना है वो कैसा है, क्योंकि एक ही जगह पे बार बार आने नहीं होता। और फिर ये है कि हम लोग नेक्स्ट टाइम किसी और वैली में जाएंगे, तो बस फिर मैं आप लोगों को टॉप से जाके मुकम्मल व्यू दिखाता हूँ, आप लोग वो देखिएगा।
बबून टॉप पे मैं आ चुका हूँ और बहुत ही तेज़ बारिश होना शुरू हो गई है यहाँ पे, लेकिन नज़ारे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। अभी मैं आप लोगों को बैक कैमरे से जो नज़ारे हैं वो भी दिखाता हूँ, आप लोग वो भी देखिएगा। ये देखें आप लोग कितने गहरे बादल हैं और मेडो कितना ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये है बबून वैली के नज़ारे। ये था मेरा बबून वैली का व्लॉग और अब मैं जाऊंगा यहाँ से वापस नीचे की तरफ। आप लोग वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अभी जल्द ही मेरा बहुत बड़ा ट्रिप आ रहा है, उसके भी व्लॉग अपलोड होंगे और अब मैं आप लोगों से इजाज़त लूँगा। इंशाल्लाह जल्द ही आप लोगों से मिलूँगा किसी नई जगह पर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।